मैंने इसे किया है ऑन और अब चलाते हैं गोली। ये एक लगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। गाइस, वक्त आ गया है कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस लाने का, कुछ कुछ ऐसे वीडियोस बनाने का। जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था कि अभी जो हम कुछ कुछ कंटेंट ऐसे लाएंगे जो थोड़ा सा हटके होंगे, थोड़े से अलग होंगे। तो आज जो वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉय है जो आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस उसके बारे में देखे होंगे जो इंग्लिश में होते हैं, जो कि हिंदी में नहीं होते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे उस प्रोडक्ट का। आज हम जा रहे हैं एक नर्फ गन जो है उसका रिव्यू करने। तो चलते हैं गब्बू के पास, उसके घर चले जाते हैं, देखते हैं कि वो गन कैसा है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फटाफट जो है वो तैयार हो जाते हैं, गब्बू के घर जाते हैं, क्योंकि वो जो टॉय है उसके पास है और उसने जस्ट मुझे कहा था कि ये टॉय है, तो मुझे भी काफ़ी वो यूनिक लगा। तो यूनिकनेस क्या है, टॉय एग्जैक्टली कैसा है, क्या प्राइस है, दिखने में कैसा है, कैसे वर्क करता है, हर एक चीज़ जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि नर्फ गन जो होते हैं वो एग्जैक्टली होते कैसे हैं, ऑपरेट कैसे किया जाता है और वो चलता कैसे है। सुबह अभी निकले थे बाहर और अचानक से जो है प्रियमदा का मन हुआ चॉप खाने का, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। और ये जो जगह है ये कल्याणी आईटीआई मोड़ है और मैं खड़ा हूँ। फिलहाल देखते हैं चॉप जो है वो कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है और फिर मैं आपको बताता हूँ। बेटा वेजिटेबल चॉप, वेजिटेबल ওটা তোমার ভালো ছিল। तो ये चॉप जो है हमने अभी, ये आप देख सकते हो ये है आईटीआई मोड और ये जो शॉप है हमने यहाँ से ये चॉप खाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और ये जो रोड है ये सेंट्रल पार्क को जाता है, ये जाता है पुरोशोभा को और ये रोड जाता है दो नंबर बाज़ार को। और ये एक ऐसा रोड है जहाँ पर सिग्नल्स अवेलेबल है कल्याणी। करो ना सिग्नल, चलो 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 चलो, दो नंबर बजाओगे क्या है? दो नंबर बाजार जाओ है हो एक बार ही जे और ये जो है आप देख सकते हो पूरा अंधेरा दिख नहीं रहा है। दुर्गा पूजा का जो है पंडाल हो रहा है और काफ़ी सारे फूड स्टॉल। ये है आईटीआई मोड और जो आप देख रहे हैं हम जब भी यहाँ पर आते हैं, अगर घूमने हम निकले तो हम चाय का स्टॉल में हम ज़रूर आते हैं। यहाँ पर जो है चाय जो है हम पीते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये सेंट्रल पार्क का है, यहाँ पर 8 PM जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 8 PM रेस्टोरेंट है, यहाँ इसके सामने ये चाय का दुकान है। तो आप अगर स्पेशली दूध का चाय अगर पीना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, जो काफ़ी बढ़िया दूध का चाय मिलता है। मैं तो यूजली यहाँ पर ही आता हूँ हमेशा। तो फटाफट जो चाय पी लेते हैं और बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट डे सोनक के घर पे हम आए हैं और ये है इसका गन। ये मेरा गन है। काफी मुझे यूनिक लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा सा चेक करें। अरे गोली तो भरो इसके अंदर पूरी तरह का, अभी मत चला, पहले तो इसको गोली तो भर पूरा। ये देखिए
इसका ये फील होता है। तो फिलहाल मैं इसे करता हूँ ऑन और फायर करते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि इसका रेंज कैसा है प्लस ये गोली चलाता कैसा है। तो अभी मैंने इसे किया है ऑन और अब चलाते हैं गोली। ये एक लगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और बुलेट हुआ खत्म। सो गाइस बेसिकली ये जो गन है ना, ये सॉफ्ट बुलेट जो है वो टारगेट करता है और बैटरी ऑपरेट है, आपने देखा जैसे कि बैटरी इसमें है। और फिलहाल अभी जो है ये गन तो काफ़ी हैवी है और नर्फ कंपनी का तो ये नहीं है, नर्फ कंपनी का तो नहीं है, ब्लेस्टॉर्म का, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना है रे? ये 2600 अप्रॉक्सीमेटली 2600 है इसका। और काफ़ी अच्छा जो है ये गन है और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं इन लोग। हाँ, ये गन का रिव्यू हम बाद में करेंगे, अभी गन दिखाना नहीं है। ओके, ये सब मशीन गन का रिव्यू हम बाद में करेंगे। तो ये जो गन है देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा गन है और काफ़ी अच्छा एक फील होता है। बट कलर जो है ये काफ़ी किडिश कलर है, बट कुछ नहीं, बच्चों के लिए ठीक ही है। और प्लेज वगैरह में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल जो है इसका है नहीं। और टाइम बिंग फन अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं या इससे खेलना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, काफ़ी सॉलिड है, प्लास्टिक भी इसका काफ़ी अच्छा है। Guys, मुझे ऐसा लगता है ना, खिलौने खेलने का कोई उम्र नहीं होता क्योंकि आप खेल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जैसे कि आज जो गन उन्होंने देखा, इससे आप भी खेल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरसॉफ्ट के कई सारे बंदूक आते हैं, फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा, पेंट बॉल्स देखे होंगे जिससे फायरिंग वगैरह खेलते हैं। ये जो गन है मुझे इतना यूनिक लगा क्योंकि इसका रेट ऑफ फायरिंग जो था और बहुत ही अच्छा लगा। बैटरी ऑपरेटेड मशीन था ये, काफ़ी अच्छा जो है इसका साउंड था, फायरिंग पावर भी बहुत अच्छा था और जो लुक था अमेजिंग था वो एकदम। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल को भी थोड़ा हेल्प होगा और आपको भी बेस्ट टॉयस विद डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। गाइस प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये गन के कई सारे वर्जन होते हैं, सिंगल शॉट्स होते हैं, डबल शॉट्स होते हैं जिसे आप ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये गन आई थिंक 600 से जो है स्टार्ट होता है। ये जो गन था इसका कॉस्ट जो है अराउंड 2600 to 3000 रुपीज़ था। काफ़ी अच्छा गन है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप वो खरीद सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये बच्चों का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को आप दोस्तों शेयर कीजिए। नए हो तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे उसे दबा दीजिए, उसके पास ही में बेल आइकन है, बिना भूले बजा दीजिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर। और बच्चों के साथ भी खेलिए, बच्चे बन के खेलिए और उनको भी एनकरेज करिए।